स्टूडेंट्स, हम लेक्चर 12 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर 12 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फोर का स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस 16 डिवाइडेड बाय टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी प्लस 16 इक्वल टू 2 × 1/12। ये वाली टर्म तो आ गई इधर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, और राइट पे इसको हमने लिख लिया 12 × 24 = 25/12, और इसे कह दिया हमने इक्वेशन नंबर ए। स्टूडेंट, इस इक्वेशन को डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दो तरफ रूट लगे हुए और बीच में साइन कौन सा है, प्लस। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 2ab में फिर आ जाएगा, फिर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो उससे आसानी के लिए, अब मुश्किल से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने इस पूरी टर्म को t प्लस 16 डिवाइडेड बाय t को हमने किसकी इक्वल ले लिया, x की इक्वल ले लिया, और इसे कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट, जब हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो देखें यहाँ तो x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्या ये टर्म इस टर्म की रेसिप्रोकल नहीं है? रेसिप्रोकल क्या होता है कि जो इसका न्यूमिनेटर हो वो इसका डिनोमिनेटर हो, जो इसका डिनोमिनेटर हो वो इसका न्यूमिनेटर हो। तो देखें ना, इनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या है, चेंज है। तो ये फर्स्ट टर्म इस सेकंड टर्म की क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हमने फर्स्ट टर्म को किसके इक्वल लिया, एक्स के इक्वल लिया। तो जब इसे हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा एक्स प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, ये टर्म इस टर्म की क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर ये एक्स है स्टूडेंट, तो बराबर वाली क्या हो जाएगी, बराबर वाली हो जाएगी 1/x, क्योंकि x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x होता है, इक्वल टू 25/12 स्टूडेंट, ये आ जाएगा एज इट इज, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये आ गया एज इट इज। अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम कैसे लेंगे स्टूडेंट, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो क्या है, 1, और x को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 1, और ये किसके इक्वल है, ये बराबर है 25/12 के, और ये 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, 12 डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 25x। 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 25x, प्लस का 25 है स्टूडेंट, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 12 इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे पास, ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो तरीके हैं यहाँ पे कि आप या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद x की कितनी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे हम, दो वैल्यूज कर लेंगे। सेकेंड ऑप्शन भी है कि हम इसको फैक्टराइजेशन के जरिए सिंप्लीफाई कर लें, इसके हम क्या बना दें, फैक्टर बना दें। फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस ए को इस चीज से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 144। अब 144 को इस दो नंबर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करें कि 144 आए, लेकिन जब उन दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए, 25 आ जाए। स्टूडेंट, हमें कैसे पता चलेगा वो दो नंबर कौन से, हमें तो नहीं पता कि वो दो नंबर कौन से हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 से मल्टी करेंगे क्या हो जाएगा, 72, फिर 2 से करेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 36, फिर 2 से करेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 218, 29, 3, 3, 1। तो स्टूडेंट, ये बहुत सारे फैक्टर्स हमें मिल गए, इन फैक्टर्स की मदद से हम 25 लेके आएंगे। किस तरह, आप देखें, 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4, और
जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 4 2 8, और जब हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 9, और आप देख सकते हैं कि हम 16 में जब 9 प्लस करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 25 के। तो इसका मतलब है कि हम इस 25x को क्या लिख सकता हूँ, 16 और 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो वही बात कि हमने क्या किया था, हमने 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया था स्टूडेंट, हमारे पास क्या आया था 144। जब हम 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा आंसर 144, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 25। यहाँ साइन कौन सा है, माइनस का, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा 12x² माइनस का 9x माइनस का 16x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से स्टूडेंट कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, 3x कॉमन आ रहा है। तो हो जाएगा 3 4 12x माइनस का 3 3 9, और x का हम कॉमन निकाल चुके हैं। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, माइनस का 4 कॉमन निकाल लेते हैं। जब माइनस का हमने 4 कॉमन निकाला तो इस माइनस कॉमन निकालने की वजह से जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 16x माइनस का 4 3 12 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट 4x-3 यहाँ भी और 4x-3 यहाँ भी है, ये कॉमन निकाल लेंगे। 4x-3 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम कर लेंगे आइदर और, जब आइदर और करेंगे स्टूडेंट तो 4x-3 इक्वल हो जाएगा 0 के, 4x इक्वल हो जाएगा 3 के, और x इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 3/4। ये x की एक वैल्यू आ गई। 3x-4 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, 3x इक्वल हो जाएगा 4 के, और x इक्वल हो जाएगा 4/3। तो स्टूडेंट ये वैल्यूज आएंगे x की, हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी थी, t की। तो हमने जो x के हमें वैल्यूज मिली हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसे फिर सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने पे हमें किसका आंसर मिल जाएगा, t का आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट पुट x इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे पास t+16/t=3/4। t की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग, ताकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास t+16/t का होल स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, t+16/t इक्वल टू 3 3 9 और 4 4 16। ये स्क्वायर दोनों के ऊपर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 16। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा t+16 से और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा t से, तो ये हो जाएगा 16t+। जब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 इक्वल टू 90। ये प्लस का 90, इधर आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 90। तो ये हो जाएगा 16t माइनस का 90 इक्वल टू माइनस का 256। अब इसमें से माइनस कर दो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 70 इक्वल टू माइनस का 256। तो टी बराबर हो जाएगा माइनस का 256/7। स्टूडेंट टी का हमें एक आंसर मिल गया। दूसरा आंसर कब मिलेगा, जब हम एक्स की वैल्यू का पुट करेंगे 4/3। तो ये भी हम कर देते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 अब क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ t+16/t जो है वो किसके बराबर हो जाएगी स्टूडेंट, 4/3 के। बिल्कुल इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड्स। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास टी प्लस 16 डिवाइडेड बाय टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल। तो ये हो जाएगा टी प्लस 16 डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू 4/4 16 और 3/3 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा टी प्लस 16 से और 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा टी से। जब 9 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 90। और जब 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और ये हो जाएगा 16। ये हो जाएगा स्टूडेंट 90 माइनस का प्लस का 16t, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 16t। 144 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 144। 16 में से 9 को जब माइनस करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 70 माइनस का 144। तो माइनस से ये वाला माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस बार टी का आंसर हमारे पास क्या हो गया, 144 डिवाइडेड बाय 7। तो स्टूडेंट हमें टी की दो वैल्यूज मिल गई, पहली कौन सी मिली थी माइनस का 256 डिवाइडेड बाय 7 और दूसरी कौन सी मिली 144/7। तो हम अपना सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या बना सकते हैं, माइनस का 256 डिवाइडेड बाय 7 कॉमा 144 डिवाइडेड बाय 7 और ये हो गया हमारा आंसर। अब एक बार और देख लें कि सवाल को हमने क्या लेट किया था, एक्स। हमने सवाल को कहा इक्वेशन नंबर ए, फिर हमने या इसे जब एक्स लेट कर लिया था उसे हमने कहा था इक्वेशन नंबर 1 और फिर हमने इसे यहाँ पे पुट कर दिया था और सिंप्लीफाई करते हुए हमें जो वैल्यूज मिली थी वो एक्स की मिली थी। हमें सॉल्व किसके लिए काम करना था, टी के लिए काम करना था। तो वो जो हमें एक्स के आंसर्स मिले थे उन्हें हमने 1/1 कहाँ पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 में। और 1/1 पुट करने के बाद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें टी के दो वैल्यूज मिल गई और ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्यूशन सेट हो गया। तो स्टूडेंट ये लेक्चर यहाँ पे क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो गया हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया।